जैसा कि दोस्तों अटलांटिस एक्सचेंज जब यहाँ हार नहीं मान रहा है तो हमें क्यों हार मानना है, ठीक है। काफ़ी दोस्तों का ये कमेंट आ रहा है कि आप अटलांटिस एक्सचेंज का वीडियो बनाना बंद करिए, कुछ भी यहाँ से नहीं होने वाला है। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ दोस्तों कि वो बहुत ही कम समय में, लगता है अभी बहुत ही जल्द यहाँ अटलांटिस एक्सचेंज पर वो आए हैं। शायद कि उनके पास क्वाइन भी ना हो अटलांटिस एक्सचेंज का, शायद कि उनका अकाउंट भी ना बना हो यहाँ, तो इसलिए दोस्तों वो दिलचस्पी इस पर नहीं दिखा रहे हैं। बट यहाँ हमारे पास क्वाइन है, हमारे काफ़ी दोस्तों के पास यहाँ फंड है अटलांटिस एक्सचेंज पर, जैसा कि मैंने ही यहाँ पर जो है इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों अगर ये लाइव हो जा रहा है और सारा ऑप्शन यहाँ ओपन हो जा रहा है विड्रॉल वगैरह, तो हमें यहाँ दोस्तों प्रॉफिट होने वाला है, तो हम क्यों नहीं वीडियो बनाएंगे और हमारे दोस्तों का भी यहाँ प्रॉफिट होगा तो बिल्कुल भी हम बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे इधर उधर की वीडियो मैं नहीं डालता हूँ, अटलांटिस एक्सचेंज को प्रमोट मैं इसलिए करता हूँ दोस्तों कि मेरा यहाँ फंड फंसा हुआ है और यहाँ काफी दोस्तों का फंड है, तो अगर निकल जा रहा है तो क्या ही बुराई है मेरे भाई। और अगर आपके पास क्वाइन है तो आप बिल्कुल भी अपडेट को मिस मत करें, ठीक है। तो आप पेशेंस बनाकर रखें दोस्तों, हमारी जरूरत है पैसे की, यह मानते हैं हम, लेकिन हमारे हिसाब से कोई कंपनी नहीं चलती है दोस्तों। यहाँ पर लगभग 7 साल हमको हो चुका है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसको हमने देखा है, काफी समय लगा हुआ है, बट वो जो है जैसे ही लाइव हुई है तो लोगों ने प्रॉफिट वहां से निकाला है। तो यहां से भी दोस्तों ऐसा ही होगा, ठीक है, टाइम लगेगा बट दोस्तों हम लोग प्रॉफिट यहां से निकाल पाएंगे। आप इनकी उनकी बातों पर मत जाइए दोस्तों, अपना अकाउंट अपना क्वाइन संभाल कर रखिए दोस्तों, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आप सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमने भी जो है बनाया था अटलांटिस एक्सचेंज में अपना अकाउंट और हमारे पास भी था क्वाइन और सब गायब हो चुका है, तो बाद में पछताना ना पड़े। तो इसलिए दोस्तों हम अपडेट आपको देते रहते हैं, आप संभाल कर रखिए, ठीक है। अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर दोस्तों मिस हो गया है और आप जो है उसको रिकवर नहीं कर पा रहे, तो आप जिस जीमेल से जो है डाउनलोड किए थे गूगल ऑथेंटिकेटर, उसको जैसे ही आप जो है फिर से वापस करेंगे तो आपका रिकवर हो जाएगा, आ जाएगा। और कई दोस्तों का कमेंट आया इसमें तो जीमेल वेरिफिकेशन भी है, आप उसके बारे में नहीं बताते हो, गूगल ऑथेंटिकेटर सिर्फ बताते हो। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप जीमेल वेरिफिकेशन इनेबल करते हैं और गलती से कहीं आपका मोबाइल जो है मिस हो जाता है, तो आप अपना जीमेल जो है अदर मोबाइल में लॉग इन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपसे ओटीपी मांगा जाएगा जो कि आपके मोबाइल पर फिर नहीं आएगा। तो यहाँ तो कम से कम अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर को इनेबल किए हैं तो वो जीमेल आप अपने मोबाइल में कर पाएंगे लॉगिन, और उसी जीमेल से गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे ही इनेबल करेंगे सारा कोड आपका आ जाएगा। तो हमारे समझ से दोस्तों ये बेहतर है, इसलिए हम जो है गूगल ऑथेंटिकेटर के बारे में बता रहे हैं। बट आपको सिर्फ यहाँ पेशेंस बनाना है और हर अपडेट आपको हम देंगे अटलांटिस एक्सचेंज का। अगर आपके पास क्वाइन है तो आप बिल्कुल देखें, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके लिए बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा कुछ बेहतर अपडेट निकल कर आएगा अटलांटिस एक्सचेंज की तरफ से। जय हिंद जय भारत।